हेलो स्टूडेंट, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। और आज भी कुछ हम ट्रायंगल के आपको इम्पोर्टेंट प्रूफ दैट के क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के आए हुए हैं। और इसका भी हम लोग अपने ही कंसेप्ट से, ट्रिक से, जो भी समझ लो, और उसको ट्रिक नहीं बोल सकते, जो भी हम बताए थे इसके पहले एक्सिमुलेट करने का वो एक प्रोसेस है, उसे आप कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में और आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि बोला गया है कि एक ट्रायंगल ABC है और यहाँ पर पॉइंट ए से इस BC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। AD परपेंडिकुलर है BC पर और ये गिवन है। प्रूफ करना है 2AB² = 2AC² + BC²। तो यहाँ पर क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। अब प्रूफ करने का जो तरीका है, पहले आप गिवन लिख लेते हो यहाँ पर। तो गिवन में लिख लो क्या दिया गया है। बोला गया है ना कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। तो AD परपेंडिकुलर BC है और दिया गया है कि जो DB है वो 3 times है, मतलब 3 × CD है बस। और जो प्रूफ करना है उसको लिख लो एक बार। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, मोस्टली क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, वो कभी कभी आ जाता है। तो समझ लो कि आपके 99% क्वेश्चन विदाउट कंस्ट्रक्शन के होंगे। 2AB² = 2AC² + BC² ये हमें प्रूफ करना है। देखो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज किया जाएगा। ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर हम फिर से लेट करेंगे। DB जो है 3 times CD का है। तो अगर CD को हम लेट कर लेते हैं x, तो DB कितना जगह 3x। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट जो है CD जो है x है। तो अगर हम इतने डिस्टेंस को हम x लेट कर लेते हैं तो जो DB है देखो क्या है, 3 CD है। तो जो स्टूडेंट DB हो जाएगा वो कितना जगह बताइए, 3 CD, मतलब 3 और CD कितना है x है, मतलब ये हो जाएगा आपका 3x। DB हो गया 3x। और यहाँ पर जो AD ये परपेंडिकुलर है इसको हम y मान लेते हैं कि ये y है बस। इतना अगर लेट कर लोगे देख लो प्रूफ हो जाएगा। अब देखो क्या प्रूफ करना है, ये LHS = RHS दिखाएंगे। तो इसको लिख लेते, देखो प्रूफ क्या करना है, 2AB² + AC को लिख लो। ये तो = लाना है हमें 2AC² + BC², ये हमें लाना है। तो क्या करेंगे, LHS में LHS की वैल्यू, RHS में RHS पुट कर देंगे। अगर LHS = RHS आ गया तो हो जाएगा, तो 2 times (AB²). और डायग्राम में देख करके बताओ कि AB² की वैल्यू कितनी आएगी। देखो स्टूडेंट, इस AB से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। AB से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, ADB। तो देखो इसके सामने यह हाइपोटेनस हो गया, यह हाइपोटेनस हो गया। तो AB² क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना बताइए, Y² तो Y² प्लस, और बेस कितना बताइए, 3x। तो ये हो जाएगा 3x² का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये हम ब्रैकेट में बाहर कौन है बताइए, 2 है। तो यहाँ पर इस लगा दो ब्रैकेट में बाहर 2 है, ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। ये समझो कैसे लिखे हैं, AB² ये लिख देना कि इन ट्रायंगल ADB, ADB में AB हाइपोटेनस है। तो AB² = क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब Y² + 3x² का स्क्वायर = 2। ये 2 times (AC² ये AC² है। अब डायग्राम में देख के बताओ, अगर ये 90 तो इधर से भी कितना जगह 90 हो जाएगा। तो क्या AC से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो देख सकते हो कि यहाँ पर ACD ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और ध्यान से अगर स्टूडेंट देखो, तो ये जो AC है क्या है, हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो AC² अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि 2 बाहर है, मल्टीप्लाई होगा। तो AC² = क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, वाई। तो ये हो जाएगा Y² और प्लस बेस कितना बताइए, एक्स। तो X² और प्लस BC, ये BC का स्क्वायर है। BC कितना है डायग्राम में देख के बताओ, BC ये x है, ये 3x है। तो 3x और x मिलकर 4x। तो BC की वैल्यू कितनी है, 4x है। यहाँ पर देख सकते हो, लिख भी दो कि जो BC आपका है कितना है, 4x है। देख लो 3x और x, 4x, मतलब BC का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर। और देख लो हो गया प्रूफ, हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2y² हो जाएगा। और प्लस ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x² और फिर 9 का 2 से करोगे 18x² हो जाएगा। तो ये जगह स्टूडेंट 18x² कैसे किए, देखो 3 का स्क्वायर 9, तो 9x² का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो ये हो गया 2y² और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो जाएगा 2x² और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16x² और 16 और 2 कितना होता है 18। तो यहाँ पर देख लो 2y² और 16 और 2 कितना हो गया 18x² बस हो गया। देख लो LHS = RHS आ गया, प्रूफ हो गया। तो देख सकते हो कि 2-3 लाइन में ही हो गया प्रूफ, बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो x और y में लेट करके करना बहुत आसान होता है। और देख लो इसमें कहीं भी स्टेप में हम क्या कहे, LHS को LHS में सिंप्लीफाई कर दिया, RHS को RHS में, LHS = RHS हो गया प्रूफ।
बहुत आसान था। यहाँ पर लॉजिक क्या था फिर से समझ लो, डी बी क्या था 3 CD, तो सी डी को हम एक्सलेट कर लिए तो डी बी अपने आप कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पर दिया होता डी बी इक्वल टू 4 CD, तो सी डी को एक्सलेट करते तो डी बी 4x हो जाता। तो इस तरह सेलेक्ट कर लिए, इस ए डी को वाई मान लिए परपेंडिकुलर को। अब प्रूफ जो करना था ये था, तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर दिए। अब देखिए कि यहाँ पर ए बी स्क्वायर को इस डायग्राम में क्या लिख सकते हैं, तो इस ए बी से देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ए डी बी। तो ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना था वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 3x का स्क्वायर। फिर इधर 2 ए सी स्क्वायर, अब ए सी स्क्वायर को ये कैसे लिखे बताओ, तो ए सी किस में आ रहा है, तो ए सी डी में ए सी आ रहा है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और बी सी, बी सी देख ही रहे हो कितना है, बी सी, बी सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक्स, ये 3x मिलकर हो जाएगा 4x। तो देख लो यहाँ पर रख दिए है, आ गया। तो अगर नहीं स्टूडेंट समझ में आएगा तो आप इसको रिपीट करके 2-3 बार देखोगे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं, आप पहली बार भी समझ सकते हो। अगर ऐसे बच्चे जिनको ना समझ में आए तो रिपीट करके देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है। ऐसे करोगे तो आपको फील भी आएगा और समझ में भी आएगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि हम लोग ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी, इससे बेटर है कि आप एक्स वाई लेट कर लो, देख लो जल्दी से आ जाएगा। तो इसको नोट कर लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये भी क्वेश्चन है और इसको भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रीड कीजिए और थोड़ा सा इसमें सोचिए, इसमें एक्स का मेथड आप लगा सकते हो। तो ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। और इसके पहले बार जो क्वेश्चन करा थे वो क्वेश्चन 14 था। तो एक तरह से देख सकते हो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी हो रहा है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आए हुए हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एक क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम पर। डी एंड ई आर पॉइंट्स, बोला गया ना कि डी जो पॉइंट है वो किस पर बताइए, सी ए पर है, और ई जो है बी सी पर है। ये सब फॉर्मेलिटी है, पढ़ लो, फॉर्मेलिटी है। राइट एंगल एट सी बोला गया, जो मेन का काम है वो है बस कि प्रूफ दैट करना है ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो प्रूफ करना है सीधे हम यहाँ प्रूफ करते हैं, ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे। देखो क्या प्रूफ करना है, इसको करना है तो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर, और बस एल एच एस इक्वल क्या दिखा देंगे, आर एच एस ए स्क्वायर, क्योंकि गिवन लिख ही लोगे वो सब तो टाइम पास कर लोगे। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। देखो बच्चे कैसे करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर है, देखो ए से कोई राइट ट्रेंगल बन रहा है क्या, देखो ए से राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ए ई सी, तो ए ई सी, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको मान लेते हैं एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर बी का भी काम पड़ेगा और ई सी का भी काम पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम वाई मान लेते हैं। यहाँ पर इसको हम बस समझ लो कि ये एक्स माने हैं और इसको हम वाई माने हैं। ये डिस्टेंस आपका एक्स हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई, इसको वाई मान लिए हैं। और देखो अब वैसे यहाँ पर नाम दे दो, हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, बस इतना लेट कर लो। अब हम लोग एक्स वाई में ही बस खेलेंगे और ए और बी में, हम चाहते तो पूरे को भी मान सकते थे, लेकिन पूरे को नहीं माने हैं क्योंकि देखो हमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल इसको लेंगे ए को लेंगे हाइपोटेनस, तो देखो ये बेस हो जाएगा, इसीलिए इसको भी मानो इसको भी मानो, अलग अलग कर लो। अब बताओ ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखें, ए क्या है, ध्यान से देखो तो हाइपोटेनस है ये किस ट्रायंगल में, ए ई सी में, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए ई सी में ये परपेंडिकुलर क्या है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर जो होगा ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। प्लस देखो अभी तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है बोलिए वाई स्क्वायर, तो इस तरह से जाकर ये पूरा कंप्लीट हुआ ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना ये पूरा ए स्क्वायर की वैल्यू है, देखो कैसे ए ई सी में ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का है वाई है। अब देखो अब लिखते हैं बी डी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी डी से कोई राइट ट्रायंगल खोजो इसमें कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है बी डी से राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस बी डी सी में अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या है परपेंडिकुलर बी डी सी में, बी डी बी परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बी डी सी में ये बेस क्या हो गया एक्स प्लस वाई, तो प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से देख सकते हो कि ये हो गया आपका क्या एल एच एस में। और देखो अब आर एच एस में खोजो वैल्यू को, ए बी स्क्वायर, ए बी से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, देखो ये ए बी है तो बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा ये, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पूरा ए प्लस बी परपेंडिकुलर और बेस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और प्लस अब हो गया डी का स्क्वायर। देखो ये जो पूरी वैल्यू है पूरा ये इसका है, ए बी स्क्वायर का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी में ए बी एक क्या परपेंडिकुलर, तो ए प्लस बी हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर ए प्लस बी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस का एक्स प्लस वाई। अब डी को देख लो, तो डी ई देखो ये डी किस राइट एंगल ट्रेंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं, डी ई सी में इसमें आ रहा है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब वाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो हो गया प्रूफ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख दो, हो गया। देख लो मिला लो, सब मैच कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो गया प्रूफ। तो देख सकते हो कि जैसे ही इसको पाइथागोरस लगा दिया हो गया, तो ये दो लाइन में हो गया, इसमें कुछ नहीं था, एक लाइन में आंसर क्वेश्चन उतारे हैं, दो लाइन में आंसर आ गया। मतलब यहाँ पर क्या एक बस ये लिखे हैं एच एस एच एस, तो एक ही लाइन में ही आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अगर जरा सा दिमाग लगाओ तो ये बहुत आसान हो जाता है कि ये क्या है कि यहाँ पर जो था पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए सब में। अब ये आपको लगाना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से हम क्या कहेंगे, पहले ए से देखें राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए से देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या बन रहा है ए ई सी, तो ए ई सी में परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए सी क्या हो जाएगा बेस, तो ये हो गया बेस का स्क्वायर। तो इतना जो वैल्यू है पूरा ए स्क्वायर का वैल्यू है वाई तक। अब यहाँ से देखो बी डी स्क्वायर, तो फिर से देखो बी डी से कोई राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है कि नहीं, देखो बन रहा है बी डी से, ये वाला ट्रेंगल ये बन रहा है बी डी से ट्रेंगल बी डी सी, तो बी डी सी में बी क्या हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। अब बेस क्या है बी डी सी में पूरा बी सी बेस, तो बी सी किससे किससे बना है एक्स और वाई से, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और वैसे इधर भी देख लो मिला लो, तो एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है ये, तो प्रूफ दैट के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसानी से किए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स को नोट करो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट देखिए भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, और देख लो प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आसान तरीके से करेंगे। बोला गया है कि एक फिगर में जो ए डी है इसमें मेडियन है, अगर इसमें ए डी को मेडियन बोला है तो मेडियन क्या करेगा, इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जितना बी डी होगा उतना ही डी सी होगा। आफ ए ट्रेंगल ए बी सी एंड ए एम परपेंडिकुलर बी सी, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर चमक रहा होगा, एंड ए एम जो है बी सी के परपेंडिकुलर है, देख लो यहाँ पर ए एम है बी सी के परपेंडिकुलर है। प्रूफ करना है देख लो आपके सामने तीन तीन लिखा गया है, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और हथियार डाल देते हैं, आत्मसमर्पण कर लेते हैं, बोल देते हैं हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तरीका बहुत है, किया जा सकता है बच्चे। देखो इसको हम लोग करेंगे और एक्स वाई में लेट करके ही आपको कराएंगे, बहुत अच्छे से होगा, ध्यान से इसको समझना। देखो इसमें कैसे लेट किया जाता है, पहले तरीका समझो किसको क्या लेट करें। यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, क्या ए सी स्क्वायर लेट करने की आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि ए सी स्क्वायर तो हाइपोटेनस है, ए सी से कोई ट्रेंगल बनेगा क्या, देखो ए सी से बनेगा ए राइट एंगल ट्रेंगल ए सी से, तो ए एम सी, तो ये तो पाइथागोरस से ही आ जाएगा, तो इसको तो लेट नहीं करेंगे। ए डी, ए डी भी क्या है, देखो ए डी से कोई राइट एंगल बनेगा ए एम डी बनेगा, तो ये भी पाइथागोरस से निकाल लेंगे, तो इसको लेट नहीं करेंगे। बी सी, हाँ बी सी हमें लेट करना पड़ेगा, बी सी नहीं पता है, डी एम, डी एम भी चाहिए हमें, तो बी सी डी एम है और ए डी इसमें है, तो ए डी तो निकाल लेंगे बस। तो बी सी और डी एम देख लो, अब हर जगह क्या है ए सी है ए बी है, तो ए सी है ये ए बी है, तो ये भी तो हाइपोटेनस ही होगा, देखो ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा 90, तो इस ए बी का भी इलाज कैसे करोगे कि ए बी में देखो ए बी एम से राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, तो ये भी हाइपोटेनस निकल जाएगा पाइथागोरस से, तो हम लेट किसको करें। देखो एक बात याद रखना कि जितना बी सी लेट करोगे डी सी उसका हाफ होगा, क्योंकि ए डी मेडियन बोला गया है, तो अगर तुम बी सी को एक्स लेट करोगे तो डी सी एक्स बाई टू हो जाएगा, बी डी एक्स बाई टू हो जाएगा, तो एक्स न लेट करके बी सी को टू एक्स लेट करो, वो आपकी मर्जी है क्या लेट कर रहे हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम टू एक्स आपको सजेस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जब इसका हाफ करेंगे तो जो डी सी आएगा वो डी सी एक्स आएगा। अब ऐसे क्या होता कि पूरा x होता तो ये x बाई टू आता, तब तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में करना अपने आप को कन्वीनियंट नहीं लगता है, तो कन्वेंसी के लिए आप चाहो तो 2x ले सकते हो। और यहाँ भी स्टूडेंट इसका हाफ करोगे तो ये भी कितना आएगा x ही आएगा, क्योंकि ए डी क्या है मेडियन है, तो जितना बी डी होगा उतना डी सी होगा, तो टोटल हम 2x लेट किए तो ये x, ये भी x हो गया। और यहाँ पर डी एम चाहिए, तो इस डी एम को स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं y। तो अब बताओ अगर ये डी एम वाई हो गया, ये टोटल अगर एक्स हो गया तो बी एम कितना आएगा, तो इस पूरे एक्स में से वाई को माइनस कर देंगे तो बी एम आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ध्यान से समझना, इसको हम वाई लेट कर लिए हैं, टोटल क्या है एक्स है, ये वाई लेट कर लिए तो ये एक्स माइनस वाई आ गया। तो यहाँ पर लेट कर लेना, यहाँ पर लिख देना कि हम यहाँ पर लेट कर लिए हैं कि बी सी जो है टू एक्स लेट कर लिए हैं और यहाँ पर एम डी को लेट कर लिए हैं वाई।
देखो प्रूफ करना बहुत आसान है, गिवन सब लिख लेना, जो भी लिखा जाता है उसको कर लेना। देखो हम पहला प्रूफ कर रहे हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, उसी को उतारो एकदम, और LHS इक्वल टू RHS, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है, AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM और प्लस BC अपान 2 का होल स्क्वायर। देखो अब इसको मैं करना है स्टूडेंट, देखो कितना आसान है। AC स्क्वायर, देखो इस AC से कोई राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है क्या, तो देखो AC से बन रहा होगा AMC, तो AMC में यहां पर स्टूडेंट देखो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। AM भी नहीं दिया है तो यहां पर AM को भी हमें लेट करना पड़ेगा, तो हम AM को लेट कर लेते हैं यहां पर। यहां पर स्टूडेंट हमें AM लेट करना पड़ेगा, तो AM को हम लेट कर लेते हैं A, तो यहां पर ये भी लिख लो कि लेट AM जो है स्मॉल A है, इसको स्मॉल ए लेट कर लिए। तो देखो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कितना है परपेंडिकुलर, सोचो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और प्लस बेस, बेस कितना है बताओ, तो AMC में बेस ये x है, ये डिस्टेंस y लेट किए हैं, ये x है ये y है, तो x प्लस y इतना डिस्टेंस क्या बताओ x है ये, और ये y तो x प्लस y, मतलब बेस कितना हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से फिर से बता दे रहे हैं, देख लो AC स्क्वायर हम AMC राइट एंगल ट्रायंगल को लिए हैं, तो AMC में AC हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस कैसे निकालें, MC बेस होगा, तो ये x है ये y है, तो x प्लस y, तो x प्लस y बेस हो गया। अब यही चीज RHS में आनी चाहिए, तो देख लो AD स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो क्या AD से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो बन रहा है AD से कौन, AMD, तो AD स्क्वायर क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर A है, बेस कितना है Y है, मतलब ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है A है, बेस क्या है Y है, प्लस BC इंटू DM, BC कितना है, तो BC की वैल्यू स्टूडेंट 2x लेट किए थे, देखो बेस 2x है यहाँ पर, इंटू DM, DM कितना लेट किए हैं Y, देखो यहाँ पर DM Y है, प्लस ब्रैकेट में BC अपान 2, BC कितना है 2x है, तो 2x अपान 2 का ये हो गया होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट भी जाएगा। अब इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, पड़े भी हो तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस B स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो तो ये क्या है A स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये है 2xy, और यहाँ पर स्टूडेंट देखोगे से टू कट गया तो ये एक्स स्क्वायर इसको मिल जाएगा, और देख लो ये जो चीज़ है प्रूफ हो गया, डन हो गया। देख लो यहाँ ए स्क्वायर तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई, टू एक्स वाई टू एक्स वाई, LHS इक्वल टू RHS, कितना आसान है ये, कहने का मतलब कि एक सिंपल बस कैलकुलेशन करते जाओ और आपका ये डन होता जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का देखो यहाँ पर शानदार एप्लीकेशन हो रहा है, बस इसी क्वेश्चन को हम यहां उतार रहे हैं, और इसी में क्या करें LHS और RHS को सिंपलीफाई करके देख लो, LHS को LHS में, RHS को RHS में, और आपका आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। आपको ये करके कमेंट सेक्शन में बताना है, और वैसे इसको आप लोग स्टूडेंट अपने कॉपी पर करके हमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको चेक करेंगे, देखेंगे कितने बच्चों ने किया है, तो आप इसको कॉपी पर करके अच्छे से आप लोग हमें बताइएगा, हमारा नंबर आपको पता है उस पर आप लोग मैसेज कीजिए, तो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8318918314। देखिए स्टूडेंट इस पर आपको मैसेज करना है और इसको बताना है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा और इसको आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताना है। कैसे करोगे, बहुत आसान है, यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस है, बस यहाँ पर क्या है माइनस है, तो सब कुछ वैसे है, तो यहाँ पर भी रखना, ए भी पता ही है, AD निकाल ही लोगे, सब कर लोगे, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। देखो हम थर्ड बता देते हैं आपको, थर्ड कैसे करेंगे इसको नोट करो, इसके बाद बताते हैं थर्ड। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं और सेकंड आपके हवाले है इसको करना, और थर्ड देखो हम बता रहे हैं थर्ड कैसे करेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी करो, उतारो इसी को, और इसके बाद बस करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट कर देना है AC स्क्वायर प्लस, एक बार अगर सही से आप लेट कर लेते हो तो बस वैल्यू पुट करना होता है, और इसके बाद आपका एकदम प्रूफ हो जाता है। तो देख रहे हो कि बुक में देखोगे साइड बुक में तो इन्हीं सब क्वेश्चन को बहुत लंबे चौड़े मेथड से प्रूफ किया है, लेकिन हम लोग एक्स वाई लेट करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो LHS और RHS को इक्वल करना है, AC स्क्वायर, देखो AC स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, AC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ए सी स्क्वायर है, तो यह जगह ए एम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बेस कितना होगा, ये वाई, ये एक्स है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो कि हो गया ए सी स्क्वायर का वैल्यू, ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देख लो ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है एम सी, एम सी कितना है वाई, ये एक्स, एक्स प्लस वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से अगर समझें तो अब क्या इसमें दिया गया, ए बी स्क्वायर, क्या ए बी से कोई राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, तो हाँ बन रहा है, देखो ए बी ये है, इधर है ए बी, तो ये ए बी का हाइपोटेनस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए है और बेस क्या है एक्स माइनस वाई, मतलब कि परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस और बेस क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एल एच एस में, इसी आर एच एस को करो, टू इंटू ए डी स्क्वायर, ए डी कितना है, तो ए डी स्टूडेंट कैसे निकालोगे, तो ए डी स्क्वायर, ए डी हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये टू तो बाहर रहेगा और ए डी स्क्वायर क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बेस कितना है वाई, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अब प्लस हाफ, ये क्या है बी सी का स्क्वायर है, बी सी कितना लटकी हो टू एक्स, तो टू एक्स का स्क्वायर करोगे तो फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी सी कितना था टू एक्स, इसका स्क्वायर किया है तो फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको स्टूडेंट आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो आपका आंसर ये आ जाएगा, देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी देखेंगे तो ये ए स्क्वायर है और प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लो टू से, तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा टू वाई स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई टू टू जाएगा कितना हो गया फोर, एक कट गया तो प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो ये आर एच एस में आ गया। यहाँ भी देखो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई कट गया, और वाई स्क्वायर ये हो गया टू वाई स्क्वायर, और देख लो सेम चीज़ यही क्या है बताइए, टू ए स्क्वायर इसको अरेंज कर लो, ये टू एक्स स्क्वायर है प्लस टू वाई स्क्वायर, सेम चीज़ आर एच एस में है, तो हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब एक्स वाई में लेट कर सकते हैं, बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए लेट करना कि किस तरह से यहाँ पर लेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप चाहो तो x लेट कर लेना तो ये x बाई टू हो जाएगा, ये भी x बाई टू हो जाएगा, हम 2x लेट कर लिए हैं, जिससे कि हाफ करोगे तो x x होगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, वैसे फ्रैक्शन आ जाएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रहेगा, और इसमें का सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको मैसेज करना भी है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सॉल्यूशन के साथ। तो बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहेगा, और आप लोग जमकर अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए और बताइएगा कैसा लगा। तो ओके स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।